हेलो दोस्तों, मैं नवीन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजो एथलेटिक में। आज हम बात करने जा रहे हैं सैकड़ नीरज चोपड़ा थ्रो चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये चैम्पियनशिप 7 अगस्त को हर स्टेट के अंदर करवाई जाएगी। ये ओपन लेवल की चैम्पियनशिप है। इसके अंदर हर स्टेट के सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी स्टेट के अंदर 6 से 7 अगस्त को ही इस चैम्पियनशिप का आयोजन करवाया जाएगा। कई स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर वेन्यू डिसाइड कर दिया गया है और कई स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर अभी वेन्यू डिसाइड नहीं किया गया है। ये गेम कहाँ पर होंगे? हरियाणा की बात की जाए तो ये गुरुग्राम के अंदर करवाए जाएंगे। 7 अगस्त को ही ये चैम्पियनशिप करवाने का उद्देश्य है। इसी दिन हमारे भारत के भाई नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। AFI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। गेम के 8 से 10 दिन पहले सभी गेम्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका एज क्राइटेरिया वो जान लेते हैं। ये ओपन गेम्स है इसलिए इसके अंदर सीनियर और जूनियर सभी एज कैटेगरी के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे जूनियर गेम्स के अंदर अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 20 4 एज ग्रुप रखे गए हैं। इसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर सीनियर लेवल के अंडर में वो आते हैं जो 20 प्लस एज के बच्चे हैं, वो सीनियर लेवल के अंदर कंपटीशन करेंगे। इस चैम्पियनशिप के अंदर जो टॉप विनर होते हैं उसको कैश प्राइज के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस चैम्पियनशिप के अंदर जो भी एथलीट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसको आगे आने वाली चैम्पियनशिप के लिए प्रमोट किया जाएगा और उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्या पता यदि आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर दो तो 2024 ओलंपिक के लिए आप क्वालिफाई हो जाओ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।